आज मैंने रागी के आटे की लापसी बनाया है, जिसे हमारी तरफ मरुए के आटे की माड़ी भी कहा जाता है। ये बहुत ही हेल्दी स्वीट डिश है। हमारे यहाँ इसे सर्दियों में बहुत शौक़ से खाते हैं। इस लापसी को आपके शहर में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रागी की लापसी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। अब उसमें डालेंगे 1 छोटी इलायची और 2 लौंग। इसे चटकने देंगे, इसे थोड़ा हिला देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप रागी का आटा और इसे भून लेंगे 3 से 4 मिनट। इसे लो फ्लेम पे भून लिया है और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें इसके जस्ट डबल 1/2 कप गुड़ डालेंगे। आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए। गैस का फ्लेम ऑन करके इसे थोड़ी देर मेल्ट करेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। ये देखिए, गुड़ यहाँ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। उबाल लाने की ज़रूरत नहीं है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस मेल्ट किए हुए गुड़ को इसमें छान लेंगे। छानने से इसमें जो गंदगी है वो छन्नी में रह जाएगी, ये देखिए। और अब इसे इस तरह से चला के सारे इसके लंप को हटा देंगे। ध्यान रहे, अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसे लो फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और ये आपकी लपसी तैयार है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी भी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये लपसी तैयार है। हमारे यहाँ इसे लपसी भी कहा जाता है और मड़वे के आटे का बनता है, तो इसे माड़ी भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ ही मिनट में ये बहुत ही मज़ेदार सा रागी की लपसी तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आप गर्म चाहते हैं, गर्म खाना पसंद करते हैं तो गर्म खाएं, और ठंडा खाना चाहते हैं तो ठंडा खाएं। ये देखिए तैयार है ये। गर्मा गर्म रागी की लपसी तैयार है। आप इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके सर्व करें। जो भी आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी इसे सर्व कर सकते हैं। चाहें तो ऐसे ही खाएं या फिर दूध के साथ भी इसे खा सकते हैं।
लीजिए, रागी की लपसी तैयार है। इस सर्दी में इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, काफ़ी हेल्दी होती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।